हमने बात करनी है कुछ वाइब की। वाइब कैसी लग रही है आपको हमारे शो की? वाइब, शो की वाइब अच्छी है, शहर की वाइब भी अच्छी है, शहर की वाइब भी अच्छी है, और जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है वाइब और भी अच्छी होती जा रही है। लेकिन हमने जो आज बात करनी है वो है लोगों की वाइब की। ये बड़ी जेंजी टर्म्स आपने टर्म निकाल दिया आपने, यहाँ वाइब अभी नई नई टर्म है, पता है आपको? मेरी वाइब नहीं कनेक्ट हो रही, वाइब नहीं मिल रही है। पुराने लोग तो परेशान होते हैं वाइब की बला कहाँ से आ गई, है क्या? जैसे पहले बोरियत नहीं होती थी ना, बोर होना, पहले वाइब भी नहीं होती थी। ये ताज़ा चीजें हैं जो इमर्ज हुई हैं। मैं बड़ा बिलीव करती हूँ वाइब के ऊपर, लेकिन जरा बता देते हैं हम किस चीज की बात करते हैं कि हम रोज लोगों से मिलते हैं जिनके ख्यालात और जज्बात का असर जो है हमारे मूड पर भी होता है, ज़हनी सुकून पर भी होता है, और समटाइम्स हमारी एनर्जी पर भी होता है। लाइक मैं आपसे मिली हूँ, आपका मूड डाउन है, तो आपसे मिलने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी डाउन करना शुरू कर दूँ। एग्जैक्टली। तो कभी कभी हम ये भी महसूस करते हैं कि कोई शख्स जब हमारे करीब आता है तो अचानक हम बेसुकूनी या नेगेटिव वाइब जिसको हम कहते हैं ना, मनफी जज्बात, उसका शिकार हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कुछ लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द लेकर आते हैं और उसकी वजह से हमारी भी एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एक स्पॉन्ज की जगह? I don't know, हमने एक्सपर्ट से नहीं, आपकी क्या फीलिंग है? ऐसा मुझे होता? मुझे लगता है कि ऐसा होता है। पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, साइंटिफिकली भी एग्जिस्ट करती है, और फिर इसको हम अगर दीगर उलूम के तनाजुर में देखें तो तब भी ऐसा लगता है। हम ये लफ्ज सुने हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला शख्स हमारे बारे में क्या मनफी ख्याल रखता है या मस्बत रखता है, और अगर उसके दिल में कुछ चल रहा है तो क्या उसका इजहार उसके चेहरे से भी हो जाता है। एक चीज मैं आपसे पूछ लेती हूँ मेहमान पर जाने से पहले, कभी आपको ऐसा फील होता है कि मुश्किल सवाल ना करना, मुश्किल नहीं है, रूम में बैठे हुए किसी ने कोई एंट्री मारी है, कोई शख्स एंटर हुआ है, एंड देन यू सडनली फील के इट डस के नेगेटिव एनर्जी, लिटरली डस इट, लिटरली। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये किसी शख्स का बड़ी शख्सियत को खुशगवार असर होता है, और कभी-कभी आपको अजीब ऑकवर्ड, इवन आप कमरे की क्यों बात करती हैं, आप इस सेट की बात कर लें, कई दफा हमें फील होता है कि इस शख्स की बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी थी। तो ये होता है जी। हमारे साथ समराना है, और समराना से हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। समराना बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, मारूफ माहिरे इल्मे नुजूम और साइकिक रीडर है समराना। समराना बताइएगा कि क्या वाकई में ये साइकिक रीडिंग जो है ये कुछ होती है, और ये वाइब एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं आप सुन भी रही हैं, क्या वाकई में किसी और शख्स की एनर्जी से हम भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? कोई अगर नेगेटिव एनर्जी जो है उसकी है शख्स की, तो वो हमारे ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेल, बिल्कुल, ये साइकिक रीडर बेसिकली ये वेरीफाई करते हैं कि वाकई ही वो जो एनर्जीज हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, या उनका इम्पैक्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी पे क्या है। मेरे ख्याल से कोई भी क्वालिफाइड जो है अभी तक साइकिक रीडर्स इस तरफ हमारी जनरेशन नहीं आ रही, और आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखें या बाकी कंट्रीज में देखें तो वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और ये तो हमें मजहबी तौर पे भी अगर हम इसको वेरीफाई करें तो आप जिसको बद नज़र कहते हैं वो इसी ज़मरे में आती है कि सम टाइम किसी इंसान का ऑरा या जो उसकी एनर्जीज होती हैं वो इस कदर नेगेटिव होती हैं या इस कदर बुरी इंटेंशंस होती हैं कि आप की पर्सनैलिटी पे जो है वो उसका 100% जो है वो असर होता है। अभी बल्कि आप लोग खुद भी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि किसी कई लोगों से हम मिलते हैं उसके बाद क्या होता है, हम लोग काफी अच्छा थका हुआ भी फील करते हो, आप लोग एनर्जी इस कदर एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आपकी एग्जैक्टली आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं कि सम टाइम क्या होता है आप फील करोगे बकायदा अपने यहाँ शोल्डर्स पे आप बर्डन फील करते हो, इस कदर नेगेटिव ऑरा किसी का या नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो समराना, अच्छा एक ये इंटरसेप्टर लगा कहाँ पे होता है जो इसको इंटरसेप्ट कर सकता है? ये रडार कौन सा है हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का, वो कैन एक्चुअली इंटरसेप्ट इट? अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली पूछूं इसको, या ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंसेस पे, आपके टाइम के ऊपर, पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आप ज्यादा अगर लोगों को जज करते हैं, ये क्या है वो इंटरसेप्टर क्या है? अच्छा जी, जो जो आप कहते हैं जिससे ये चीज एटलीस्ट वेरीफाई हो जाए, एक तो यार आपकी खुद इंसान ह्यूमन बीइंग है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी इंट्यूशंस वैसे काफी स्ट्रांग होती हैं। अच्छा एक चीज और आपने नोटिस की होगी, आप दोनों भी नोटिस करते होंगे लोगों में, कि कभी भी जो नेगेटिव ऑरा जिसका होता है या जो नेगेटिव इंसान होते हैं वो कभी आपको खुश नहीं मिलेगा। एक तो उसके चेहरे पे अजीब सी आपको संजीदगी और अजीब सा, मुझे लगता है कि आपको ना ज़हन में कुछ लोग आ गए हैं। समराना ने जब से बात किया मेरे ज़हन में इतने लोग घूम रहे हैं। जी प्लीज कीप ऑन, जी कीप इट अप।
और आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है अवॉइड करना शुरू करोगे उनको, और आपको अच्छा नहीं लगेगा उनसे मिलके. तो ह्यूमन जो ब्रेन है वो इतना शार्प होता है कि वो आपको फॉरन ही इस बारे में इंडिकेट कर देता है कि आया ये बंदे की एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है. और ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री जो नॉलेज भी है ये पूरा एनर्जी बेस्ड तो है, वरना आप देखिए सितारे कितने मील दूर हमसे बैठे हुए, उनका हमसे क्या लिंक. तो बेसिकली एनर्जीज और पॉजिटिविटी जो है वो आपकी जिंदगी पे, आपकी लाइफ पे, आपके ब्रेन पे बहुत जो है इम्पेक्ट रखती है. मैं तो कहूंगी कि 100% इम्पेक्ट. और वो कहते हैं ना समराना कि इंसान इमरान इंसान झूठ बोल सकता है, एनर्जी झूठ नहीं बोल सकती, एनर्जी डजंट. ठीक है, तो बड़ा अच्छा वर्ड समराना आपने यूज किया ऑरा का. एक हाला होता है हर इंसान के इर्द गिर्द, जो भी जिसको नूर भी कुछ लोग कहते हैं. और ये भी कहा जाता है कि इस ऑरा को आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई शख्स उसको फील हो कि नेगेटिव एनर्जी है, ये वो नेगेटिव फील कर रहा है, बाय द टाइम वो अपने ऑरा को भी चेंज कर सकता है और अपनी इस फीलिंग को भी चेंज कर सकता है. इसमें कितनी हकीकत या सच्चाई है, या आपको क्या लगता है कि कितना ये डूएबल है? बिल्कुल बिल्कुल. अगर सपोज देखिए हर बंदे को पता होता है कि मेरा टाइप क्या है, मेरे सोचने समझने का, आया मैं नेगेटिव हूँ या मैं पॉजिटिव हूँ. अच्छा एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी कि एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द भी होती हैं. तो क्या है, आप जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान दोगे या जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाओगे वो एनर्जी ज़्यादा आपसे कनेक्ट करेंगी. सपोज़ अगर कोई बंदा, वो कहते हैं ना इमेजिनेशन पावर, बिकॉज ये आपका ब्रेन आपको ऑर्डर देता है कि आप इस तरफ, आपका झुकाव किस तरफ है, जिस चीज़ को आप इनवाइट करोगे. सपोज अगर आप पॉजिटिविटी को इनवाइट करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करोगे अपने ब्रेन में या अपनी शख्सियत में, तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे और वो ही एनर्जी आपके साथ इंटरेक्ट करेगी. जैसे कोई नेगेटिव और नेगेटिव पर्सन है या फिर नेगेटिव थॉट्स वाला बंदा है, तो 100% जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो एक्टिव हो जाएगी और वो आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगी. इसीलिए हमेशा कहते हैं कि हमेशा आपको जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना चाहिए. तो मैं ये जानना वो कह रही पॉजिटिव लोगों में रहना चाहिए समराना, लेकिन अगर कोई अपना ही नेगेटिव एनर्जी दे रहा हो तो फिर बंदा क्या करे, जिसको आप नहीं छोड़ सकते, एस्केप नहीं कर सकते, उसका फिर क्या करे? वन लाइनर है, हम पाकिस्तान से चले जाएं. जैसे कि आप ये कह रहे हो कि आप यार बहुत ही मजबूरी हो गई कि ऐसे बंदे के साथ हमें उठना पड़ गया, हमें बैठना पड़ गया, तो फिर ये है कि आप अपनी सेफ्टी के तौर पे अपने मजहब के अकॉर्डिंग जो आपका बनता है, जैसे सूर्य नास और बड़ी इफेक्टिव है इसके लिए. वैसे मैंने सुना था समराना के सूर्य नास जो है ना वो जिन जब इर्द गिर्द हो ना आपको फील ये भी तो उस टाइम पे. अच्छा इसमें पाकिस्तान तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में, हम भी हैं, लेकिन ये कि अक्सर लोग रिश्तेदारों से बड़े नाला रहते हैं ना इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कह सकते हैं कि हम रिश्तेदारों से दूर चले जाए. अच्छा ये बताइए क्या हम सेफली ये कह सकते हैं समराना कि इट्स ऑल अबाउट thoughts. I mean, physically कोई इसकी existence नहीं है as such, या हम उसको gauge करने का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन अगर मैं एक मनफी सोच का हामिल शख्स हूँ तो मैं अपने साथ negative energies लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे negative energies फैलेंगी, नजर आएंगी, महसूस होंगी, ऐसा कह सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रू है, वही होता है. कि देखें इसकी एक एग्जाम्पल छोटी सी दे सकती हूँ कि अगर आप 5 दिन जो है वो कि आप बिलीनियर्स के साथ बैठोगे, इन 6 डे आप ऑटोमेटिकली जो है अपने आप को ये आप उस आप सोचोगे कि मैं बिलीनियर कैसे मैं बनूं. ठीक है, मतलब इस कदर की कंपनी, किसी का ऑरा और किसी की चीजें आपकी ब्रेन को अफेक्ट करती हैं. जैसे कोयल कवे के साथ रहती रही तो कोयल भी जो है वो काय काय करने लगी. तो क्या है कि ऑरा या एनर्जीज है वो इस कदर जो है इफेक्टिव है और इस कदर इम्पेक्ट छोड़ के जाती है कि आपको इन पे जरूर जो है वर्क करना चाहिए. ठीक है समराना, बहुत शुक्रिया आपका. और समराना की एक बड़ी अच्छी बात, और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसके ऊपर, कि हमारे जो बड़े बूढ़े कहते थे ना कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचना चाहिए, तो वो ऐसे ही नहीं कि वाकई में उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा. हमारा माइंड जो है, हमारी थॉट्स जो है ना, वो मैग्नेट की तरह है. अगर आपने फिर घड़ी देखना शुरू कर दिया.